हाँ तो चलिए अपन करते हैं गाय की मिल्किंग सुबह के 4:30 बजे। और ये अपने देखिए बाड़े के अंदर ये है, इसको ये खोलते हैं अपन। मस्त बात ये कि सबको पता है कि अपना नंबर आने वाला है, अपना नंबर आएगा, सबको पता है कि किसके पास कौन सा जाना है, किसका नंबर आएगा, किसकी मिल्किंग करनी है, किस कौन सा बच रहा है, सबको पता है कि भाई अब मेरी बारी आने वाली है। इसको भी मैंने पकड़ के निकाला नहीं था, ऑटोमेटिक निकली है। उसको पता है कि अब मेरा नंबर है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, F1 क्वालिटी की बच्ची है। और अगर जान आदमी हो तो इसको गिर क्रॉस भी कह देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए कंबल देखिए, नीचे कान देखिए, सिंग तो खैर अब आएंगे, पर इसके माँ के अच्छे सिंग है तो इसके भी बेहतर ही आने। देखिए बाहर गेट बजा रहे हैं कोई ना कोई, अभी देखते हैं कौन है जो गेट बजा रहा है सुबह सुबह 4:30 बजे। पहले इसको बांध देते हैं, फिर देख के आते हैं अपन। और मिल्किंग की वीडियो तो छोड़ की कोशिश ना करें, मिल्किंग की वीडियो ऐसा है कि ऐसी मिल्किंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पहले अपन जो गेट बजा रहे हैं उनको देख कर आते हैं कौन है गेट बजाने वाले। काको वाली कर रही है ना, तो ये देखिए हमारे मेहमान हैं गेट बजाने वाले, रोज सुबह सुबह इनका ये काम। ये देखिए देख लीजिए, पैर को ऊपर उठा के गेट ऐसे बजाते हैं जैसे कोई इंसान गेट बजा रहा हो। किटो कुत्ता है, डोबरमैन है, बहुत प्यारा बच्चा है, अभी 8-9 महीने का हुआ है। एक मुंह कर लेना दुआरी, तू उठ तू भी खेलेगा। जल्दी फिर देख ले टाइम क्यों लेट ही गया, टुकरानी नहीं ठीक है, लगा विधि पड़े लो बीके बांध ले एक साइड और बांध नीचे उतार इसके दूध खाली कर सीधा जाऊं। अब थनों की जो बात कर रहे हैं, थनों में क्या देखना होता है, थनों में ये चीज़ देखनी होती है आपको, थन इतने बराबर और इतने इतना मतलब इस क्वालिटी के पर होना ही चाहिए। और ये रेडन के जो आई है इसके इसलिए लाल थन है, अगर गाय रेडन है तो थन ऐसे होंगे होंगे, अगर सफ़ेद थन हुए तो गाय जर्सी है, और अगर थनों में कालापन हुआ या काला स्पॉट ब्लैक स्पॉट चाहे इतना ही ब्लैक स्पॉट क्या ना हो वो गाय आपको, आप उसको रेडन नहीं कह सकते, उसको होलिस्टन ही कहना पड़ेगा आपको, चाहे एक डब्बा ही क्यों ना हो। ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको एक बार देखते ही पहली नज़र में आपको मालूम चल जाएगा ये गाय है तो कौन सी है।
अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करता जरूर, लाइक आपको कुछ नहीं जाना, लाइक करना किसी आपको कुछ नहीं जाना, आपके लाइक को सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बनता रहता है बार बार, और हम कुछ और नया ट्राई करते हैं, लेकिन माफ नहीं जाता है मिल्की की वीडियो डालते हैं हम, क्योंकि रिलेटिव बताऊँ सच बताऊँ आपको हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना कि वीडियो एडिट कर सकते हैं, आपको अदर वीडियो आपको बना के दे सकें, जिससे यूट्यूब से अर्निंग अच्छी होने लग जाए कि उसके बाद हम किसी पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि अभी जॉब भी करता हूँ, मिल्क सप्लाई भी करता हूँ, और प्लस आपका यूट्यूब पर आपके लिए और ये के लिए हमारे खुद के लिए भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपको भी यूट्यूब चैनल चालू करना, आपके दिमाग में यूट्यूब चैनल चालू करने की है, और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करिए, क्योंकि जानकारी बहुत है किस तरह का चैनल बनाना चाहिए, ये बहुत जानकारी है अपने पास, तो उस पर भी मैं अलग एक चैनल बनाने वाला हूँ टेक चैनल, तो शायद मैं आपको उस पर हर तरीके की जानकारी दे सकूँ, इसके अंदर मेरी कैटेगरी डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है, तो इसको मैं अलग वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन आपके लिए एक नया चैनल चालू कर दूंगा मैं, अगर मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला मेरे चैनल पे, और एक बात मैं कभी अपना चैनल को किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, कि मेरी वीडियो शेयर करके किसी को बोलूँ लाइक कमेंट करिए, तो मैं ही आपको यही कहूँगा कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भीख मांगने से नहीं मिलते, आप मेहनत करते जाइए, आपको 1000 चाहिए वो इतना आ जाएंगे आपको, वो टाइम किसी को वीडियो भेजने से किसी को इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप खुद मेहनत करिए, आपकी खुद की वीडियो अच्छी होनी चाहिए, चैनल आपका उठेगा, आपकी वीडियो जब रैंक पकड़ेगी तो लोग आपको ऑटोमेटिकली खुद पूछेंगे, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, एक ही बंदे को पकड़ के करने का जरूरत नहीं है आपको, आपकी वीडियो जिसके लाइक है वो अपना आप उसको सब्सक्राइब कर लेगा, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या, जब आपकी वो वीडियो देखेंगे ना आपके हर नोटिफिकेशन उसके सामने जाए वीडियो का, लेकिन उसे कुछ क्लिक ना करेगा तो फिर आपका वीडियो का जो इम्प्रेशन है वो गलत होता है, वो आपकी इम्प्रेशन क्लिक कर रेट है वो कम हो जाएगी, वो जब वो कम हो जाएगी तो फिर आपका चैनल उठेगा कभी नहीं, चाहे स्टार्टिंग में व्यूज आपका कम हो कोई दिक्कत नहीं, जो स्टार्टिंग से उठा हुआ चैनल होता है वही लाइफ में सक्सेस हो सकता है, जो चैनल स्टार्टिंग में उठ गया है 5-10 वीडियो के अंदर वो कभी भी गिर जाएगा, तो उसका कोई गारंटी नहीं, वो कभी गिर जाएगा, मेरे चैनल पे जाके देखिए 300+ वीडियो दिख जाएगी आपको, 300+ वीडियो डाल रखी है मैंने पिछले एक साल से भी ऊपर हो गया चैनल चलाते हुए, तो अगर मेरा चैनल वापस डीमोनेटाइज तो होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कभी भी इसकी रैंक टूटेगी कभी भी डाउन हुआ, तो मैंने वो दिन देखा है जब मेरा चैनल के व्यूज़ 100 से ऊपर व्यूज़ नहीं आते थे, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने 100-100 व्यूज़ देखे वीडियो के अंदर, 50-50 व्यूज़ देखे, तो आज भी अगर नया चैनल बनाऊंगा तो उसमें 50 व्यूज़ की मैं उनमें ये डिमांड करूंगा, 50 व्यूज़ भी आ जाए तो बहुत है, क्योंकि मुझे मालूम है स्टार्टिंग में चैनल यूट्यूब ऐसे रिकमेंड नहीं करता है, कर दे वो बात अलग होती है, वो कंटेंट भी देखा जाता है आपकी, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके चैनल पर वीडियो का व्यूज इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा गए, ये स्टार्टिंग में सर नहीं होता है, इसलिए सब्र रखें, आपको बंद करके व्यू डालते रहे एक दिन जरूर उठेगा, इसकी गारंटी है।